एक इंटरव्यू के दौरान एमसी मॉडरेटर बना रहा है प्रदर्शन मंच की यादें। जैसे ही अगली नृत्य प्रतिभागी टीम मंच पर आए, एमसी मॉडरेटर है एक संक्षिप्त साक्षात्कार लेते हुए नृत्य दल के साथ, और वे प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। इस नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीम पुरुषों से बना है, गतिशील शक्ति नृत्य दिखा रहा है। कोरियाई बी बॉय नृत्य की एक विशेषता के संस्कृति के रूप में जाना जाता है, इनमें सुकुमारता एवं गतिशीलता का मिश्रित सामंजस्य है। ये कोरिया का एक विशिष्ट नृत्य प्रदर्शन है। कोरिया की आधुनिक नृत्य संस्कृति कोरिया की अनूठी प्राच्य विनम्रता पर आधारित है, और कोरिया की आधुनिक नृत्य संस्कृति सक्रिय और गतिशील नृत्य के साथ सामंजस्य है पश्चिमी दुनिया में। खासकर लंबे समय के लिए कोरियाई नृत्य संस्कृति के कई नेता के फ्यूजन पर शोध और प्रयास किया है पूर्वी और पश्चिमी नृत्य। उन्होंने बनाया है आज की कोरियाई अनूठी नृत्य संस्कृति प्रायोगिक नृत्य प्रस्तुत करके। भविष्य में भी कोरियाई नृत्य संस्कृति बनाता है और विकास करेगा नई वैश्विक नृत्य संस्कृति। आप देख रहे हैं और आनंद ले रहे हैं कोरियाई नृत्य संस्कृति 2023 में। सियोल में होनडे स्ट्रीट यह एक गर्म स्थान है जहां युवा सबसे अधिक एकत्रित होते हैं। यहां विभिन्न मनोरंजन सुविधाएं और रेस्तरां हैं जो युवाओं को पसंद है बहुत ज्यादा। गंगनाम क्षेत्र या येओ उइदो क्षेत्र के विपरीत, जिसने व्यावसायिक सुविधाएं विकसित की हैं, होनडे स्ट्रीट की विशेषता यह है कि इसमें मुख्य रूप से मनोरंजक सुविधाएं शामिल हैं। विशेष रूप से कोरिया के लिए अद्वितीय विभिन्न विशेषताओं को दर्शाना युवाओं के लिए सुविधाएं यहां केंद्रित हैं, क्योंकि यह उन रुझानों को तुरंत दर्शाता है जो युवा पसंद करते हैं। आप सियोल में नवीनतम रुझानों से आसानी से अवगत रह सकते हैं। होमपिक यूनिवर्सिटी स्ट्रीट सियोल में स्थित एक बड़ा व्यावसायिक जिला है। होमपिक यूनिवर्सिटी, होमपिक यूनिवर्सिटी स्टेशन और के आसपास सांसू स्टेशन। होनडे स्ट्रीट में होनडे होमपिक यूनिवर्सिटी का संक्षिप्त रूप है। होमपिक यूनिवर्सिटी स्टेशन सेओ ग्योडोंग के खुलने के बाद डोंग ग्योडोंग और सांसू डोंग वाणिज्यिक जिले या घरेलू इंडी दृश्य, जो अपने विशिष्ट वाणिज्यिक जिलों को बनाए रखते हैं, उन्हें आमतौर पर संदर्भित किया जाता था होमपिक यूनिवर्सिटी स्ट्रीट के रूप में, लेकिन होमडे स्ट्रीट नाम स्थापित किया गया था। निसंदेह वास्तव में कोंगकुक विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय के नामों के संक्षिप्त रूप और इवा वुमेन्स यूनिवर्सिटी को अक्सर शहर के क्षेत्रों के नाम के रूप में उपयोग किया जाता है। इस स्थान को अक्सर होंगडे कहा जाता है। सियोल के अन्य प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जिलों में सिंचिन स्टेशन के पास स्थित देहाक्रो शामिल है, या हाय हवा स्टेशन, सुमशिन महिला विश्वविद्यालय वाणिज्यिक जिला, सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी स्टेशन, चारोसू गिल वाणिज्यिक जिला जो सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी का कॉलेज जिला है, और सियोल के पूर्व की ओर कोनकुक यूनिवर्सिटी स्ट्रीट। होमडे स्ट्रीट उन सभी को अभिभूत कर देता है और प्रतिनिधि पर्यटकों में से एक बन जाता है। डाउनटाउन विश्वविद्यालय जिले के रूप में सियोल से परे कोरिया में आकर्षण। इसके आकार को 2020 के दशक के अनुसार देखें, जब वाणिज्यिक जिले का विस्तार हुआ है आसपास के क्षेत्रों के लिए, ये कहना अनुचित नहीं होगा कि यह सबसे बड़ा शहर है सियोल में। अब होंगिक विश्वविद्यालय वाणिज्यिक जिला इतना बढ़ गया है कि कुछ लोग कहते हैं व्यावसायिक जिले के नाम के रूप में विश्वविद्यालय के नाम का उपयोग करना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वहां देशी विदेशी पर्यटक आते हैं। इसलिए तीन बड़े मॉल बनाए जा रहे हैं होंगिक यूनिवर्सिटी स्टेशन के आसपास।